इस वीडियो में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय लगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले हमें बहुत सारी बुकें जैसे आरडी शर्मा हो गई, ऑल इन वन हो गई और भी बहुत सारी बुकें, इतने सारे सैंपल्स पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर की स्टडी करने के बाद ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, जो 10th के मैथ्स के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं चैप्टर वाइज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके ये अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू में। तो चलिए जो हमने पहला चैप्टर लिया हुआ है, एक चैप्टर डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे ना ब्लू प्रिंट देख लीजिए कितने चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे जो चैप्टर वन है नंबर सिस्टम, उससे आ रहा है आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन। एलजेब्रा से आ रहा है 20 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहा है आपका 6 मार्क्स का और ज्योमेट्री से आ रहा है 15 मार्क्स का। ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है 12 मार्क्स का। मेंसुरेशन 10 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है उससे 11 मार्क्स। इस टोटल हो जाते हैं आपके 80 नंबर और 1 मार्क्स वाले आपको देखने को मिलेंगे 6 क्वेश्चन। 2 मार्क्स वाले आपको मिल जाते हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन और 3 मार्क्स वाले पूरे पूरे 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको यहाँ पे और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो मिल रहे हैं आपको 8 क्वेश्चन। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो आज का हमारा पहला चैप्टर हमने लिया हुआ है रियल नंबर, तो रियल नंबर से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर से आपको यहाँ पे स्टडी करनी है, जो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 2 में दिख रहा है इस 2 की स्टडी आपको करनी है एंड इसमें से आपको लेना है 4 एंड 5th, मतलब टोटल इस एक्सरसाइज से आपको 3 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 7th है, इसे आप इग्नोर ना करें, इसे भी देखें। और साथ साथ में आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, इस चैप्टर से आप 2 थ्योरम है उसका स्टेटमेंट इस बार पूछा जा सकता है, जो यूक्लिड थ्योरम है आपका और अर्थमेटिक जो थ्योरम है, दोनों थ्योरम का आपको स्टेटमेंट याद करना है, पॉसिबिलिटी है इस बार उसका स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज 1.2 से देख लेते हैं। तो 1.2 से आप कर लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तैयार कर लीजिए एंड यहाँ पे आपको करने होंगे ये 3 रेगुलर क्वेश्चंस 4th, 5th एंड 6th। तो ये 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आपको प्रिपेयर करने हैं। एक्सरसाइज 1.3 तो इससे आप कर लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपका, ये आप इसमें प्रिपेयर कर लीजिए और इसके ऊपर वाले 1-2 एग्जाम्पल वो भी आप प्रिपेयर कर लीजिए 1.3 से। वन पॉइंट फोर से आप यहाँ पे कर लीजिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है उस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लीजिए यहाँ पे, जो ये दिया है राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। तो ये डेसिमल जो एक्सपेंशन ही आपको आ सकते हैं तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। चैप्टर नंबर 2 से जो 2.1 है इसे कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ से ले लेना है एग्जाम्पल नंबर 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 3 करना ही करना। एंड बात एक्सरसाइज 2.2 की, तो 2.2 में अगर आप करना चाहते हैं वैसे तो इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें, फिर भी आप यहाँ पे 2nd का ये 3rd क्वेश्चन कर सकते हैं या तो इसके साथ साथ या तो 2nd कर सकते हो, ये 2 क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ आएगा तो नहीं। यहाँ से आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम्पल नंबर 9, जो 9th वाला एग्जाम्पल से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट से, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लें। इसके बाद 2.3 से अगर हम देखते हैं तो आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th, ये 2 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से प्रिपेयर करना है 2.3 से। 2.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, अब ये मत सोचिएगा ये ऑप्शनल है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि एग्जामिनेशन पर्पस से नहीं है तो क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं। तो इससे आपको ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं, 3, 4 और 5, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे 3.2, तो 3.1 में कुछ भी नहीं करना है आपको, 3.2 पे आप डायरेक्टली आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4th करना है आप। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ द कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं, इसमें आपको 5th वाला भी लेना है क्वेश्चन करना है और 7th वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में आता रहता है और इस बार भी पॉसिबिलिटी है इसके आने की। तो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए, सारे क्वेश्चन छोड़िए पहले तो इसे तैयार करिए आप क्वेश्चन नंबर 7th को।
3.3 से देख लेते हैं। तो 3.3 में आपको यहाँ पे मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर आपको मेथड आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, पर साथ में फिर भी मैं जाऊँगा आप इसमें फोर्थ वाला क्वेश्चन, या तो ये जो सॉरी सिक्स या फोर्थ, दो में से एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें इसमें। अगर आपको मेथड आती है तो सारे क्वेश्चन आपके लिए ईजी होंगे, और देन आप ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर टू प्रिपेयर करके रखें जो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। देन आपको इतने क्वेश्चन हो जाते हैं, तो और ये दो क्वेश्चन तैयार करने हैं इसमें, टैक्सी चार्जेस वाला और अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। तो ये दो क्वेश्चंस और भी आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है एग्जाम्पल नंबर 11, इस बार के लिए हो सकता है काफी इंपॉर्टेंट, तो इसे प्रिपेयर कर लें आप जरूर। एंड देन एग्जाम्पल नंबर जो आपके पास दिया हुआ है 13, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 16 भी प्रिपेयर, एक्सरसाइज 3.4 से आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 4th, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, और यहाँ से हो सके तो आप और भी कर लीजिएगा, बाकी आपको एलिमिनेशन आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी आपको डिफिकल्टीज लगती होगी इक्वेशन बनाने में, इसलिए ये बताना बेटर होगा। तो आप इससे ना 2 और 3 वाला क्वेश्चन करेंगे, इसमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पर उतना नहीं। एग्जाम्पल नंबर इसके बाद आ जाता है 16, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप इग्नोर ना करें, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया अगर अभी तक नहीं किया है तो आप जरूर से जरूर इसे प्रिपेयर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.5। 3.5 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 2, इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसे प्रिपेयर कर लें आप क्वेश्चन नंबर 2 को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देन आपको रख लेते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में, तो फोर्थ क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन है इसमें, पर आपको सारे नहीं करने हैं इसमें, आपको सिर्फ और सिर्फ करना है इसमें पहला क्वेश्चन, एंड देन आपको इसमें करना है फोर्थ वाला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है इस वाली एक्सरसाइज के लिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अभी वीडियो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 19 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप कवर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, तो इसमें आपको सॉल्यूशन करना है, तो इसमें आपको 1 एंड 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, एंड देन आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी लेकर चलना है इसमें, और ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी, ये 4 क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर करने हैं। हो सकता है कि 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिखाई देगा। और नेक्स्ट में चलते हैं आप, तो यहाँ से आप जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसे जरूर प्रिपेयर करेंगे आप, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये 2 क्वेश्चन इस वाले सेक्शन से आपके कंप्लीट होने चाहिए। और आ जाते हैं हम 3.7। अब आप फिर से कहोगे ये ऑप्शनल है, तो मैं फिर से कहूंगा कि ये ऑप्शनल तो है बट उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ऑप्शनल होने के साथ साथ। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, शायद मैंने कराया हुआ बच्चों का ये क्वेश्चन। एंड इसके बाद आ जाता है आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5th IMP है ये काफी, एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो इस वाले सेक्शन से भी आपको ये 4 क्वेश्चन लेकर चलने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये 4 क्वेश्चन। इसे ना समझे आप, ऑप्शनल है, नीचे लिखा हुआ है इसमें कि एग्जामिनेशन पर्पज से नहीं है, पर ये एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये काफी स्टडी के दौरान देखा गया है ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आए हैं। चैप्टर नंबर 4th, 4th से आपको यहाँ पे करना है एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर करें। एक्सरसाइज 4.2 से आप इसमें ले लीजिए फैक्टराइज ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, ये अंडर रूट वाले 2 फैक्टराइज आप इसमें से कंप्लीट कर लीजिए। एंड देन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, फिर भी आप इसमें से ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए 5th और 6th। एग्जाम्पल नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो इसे आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, जरूर इसको कंप्लीट कर ले। कंप्लीटिंग स्कोरिंग आपको आती हो, नहीं आती हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इसके भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देन एग्जाम्पल नंबर 12 भी आपको करना है इसमें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप मिस नहीं करें। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 14, तो एग्जाम्पल नंबर 14 के इन दोनों क्वेश्चनों को आपको प्रिपेयर करना है। इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चन हैं तो वो आपको RD वगैरह से कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं हर बार, तो
तो वो आप कंप्लीट करेंगे आरडी से, या और कोई भी कोई बुक आप प्रेफर करते हैं तो उससे आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जो आपका 15th दिया हुआ है, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो 14-15 एग्जाम्पल गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप कंप्लीट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3। 4.3 से आपको कंप्लीटिंग स्कोरिंग में ये पहला क्वेश्चन करना है, और पहले के साथ साथ आपको इसमें करना है लास्ट वाला, ये दो क्वेश्चंस आपको इसमें प्रिपेयर कर लेने हैं। एंड देन आपको यहाँ नीचे से भी कुछ क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ दोनों। और इसके बाद आप इसमें कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको कवर करना है इसमें। तो इतने क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज से प्रिपेयर करने हैं, और इसमें करना है आपको क्वेश्चन नंबर 10। तो इतने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आपको प्रिपेयर, 4.4 से आपको तैयार करने हैं इसमें दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी ज़्यादा इनकी पॉसिबिलिटीज है आने की इस एक्सरसाइज से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 5th चैप्टर में 5.1 से कुछ भी नहीं करना है आपको, और 5.2 से हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। इससे पहले आपको यहाँ तैयार करना होगा एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसका आपको तैयार करना है दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 10, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। एंड 5.2 पे आ जाइए, तो 5.2 से अगर आप देखेंगे तो इससे भी आपको कोई ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करने हैं। इससे जो मेनली क्वेश्चन है आपके वो है 15th वाला, ठीक है, जो 15th क्वेश्चन दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 और 16। एंड इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। 5.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ये तीन क्वेश्चन तैयार करने हैं स्टार्टिंग के। एंड देन आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस इसमें आप प्रिपेयर कर लीजिए। और इस एक्सरसाइज से आपको प्रिपेयर करने हैं यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लें। एंड देन आप इसमें तैयार कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, जो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें लेने हैं 15 से लेकर 18 तक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे लगे, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप लिखकर हमें आपके सजेशन बताएं कि किस तरह का वीडियो लगा आपको, या इसमें क्या कमी रह गई, या इसमें इम्प्रूवमेंट क्या किया जाए, या तो आपको अच्छा लगा तो इसमें क्या अच्छा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्राइंगल 6। चैप्टर नंबर 6 से आपको यहाँ पे थ्योरम 1 कंप्लीट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम 6.1। एंड इसके बाद 6.2 भी आपको कंप्लीट करना है, बट वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 1 है। तो ये 6.2 भी आपको इससे कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 से ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में नहीं है, फिर भी मे भी आ सकता है, ये कुछ कह नहीं सकते इस क्वेश्चन के बारे में। और सेकेंड का ये थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो आप करना चाहे तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये 5th और 6th है, जो क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में रखे गए हैं दोनों क्वेश्चन। एंड देन इसमें अगर आप ये दोनों क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसके बाद आपको इसमें 9 एंड 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ये चार क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आपको प्रिपेयर करने हैं, और दो थियोरम 6.1 एंड 6.2। इसके बाद आपको करना है यहाँ पे थियोरम नंबर 6.3, ये भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, पर नेक्स्ट क्वेश्चन 6.3। तो 6.3 से आपको कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं इसमें, जिसमें आप ले लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, जिसका ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। एंड देन इसमें आपको कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 12th, ठीक है, काफ़ी कम क्वेश्चन लिए हुए हैं इसमें हमने, तो क्वेश्चन नंबर आप इसमें 12th प्रिपेयर कर लीजिए, और 12th हो जाता है आपका तो आप इसमें 16th प्रिपेयर कर लीजिए। तो इतने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आपको प्रिपेयर करने हैं। चलिए चलते हैं 6.4 पे, थ्योरम नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे कवर करके चले आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए 6.6 थ्योरम। 6.4 से आपको तैयार करने हैं इसमें 1st एंड 2nd क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन पहले प्रिपेयर कर लीजिए,
एंड देन ये हो जाते हैं, तो आपको इसमें दो क्वेश्चंस और भी पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपको पढ़ना है इसमें थर्ड, और एक पढ़ना है इसमें सेवन। तो इस तरह इस एक्सरसाइज से भी आपको चार क्वेश्चंस लेने हैं। थ्योरम नंबर 6.8 बहुत महत्वपूर्ण है ये पाइथागोरस थ्योरम, तो इसे जरूर प्रिपेयर करके रखें आप। थ्योरम नंबर जो 6.8 है, थ्योरम नंबर 6.9 भी आपको प्रिपेयर करना है, ये भी इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 13, या ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, तो इसे भी आप प्रिपेयर कर लें। चलते हैं, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है 6.5। तो 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रिपेयर करना है इसका, और साथ ही साथ इसमें आपको कंटिन्यूसली चार क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर करने हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक, ये चारों क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करने हैं। तो क्या बताया मैंने 6.5 में, 7, 8, 13, 14, 15 एंड 16 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। एग्जाम्पल नंबर 14 भी प्रिपेयर करना ही है इसमें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल एक्सरसाइज में आपको करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, पॉसिबिलिटी है इसकी थोड़ा बहुत आने की, इसलिए ये क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एग्जाम्पल नंबर 4 प्रिपेयर करना है इसमें, एंड देन एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन नंबर आपको 7 और 8 करना है और 9, तो ये तीन क्वेश्चंस आपको इसमें प्रिपेयर करने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेंगे फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 8 प्रिपेयर करना है, एंड देन एग्जाम्पल नंबर 9 भी इसमें आपको करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 दोनों करना है। इसके बाद आप एक्सरसाइज में आ जाइए, एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 प्रिपेयर करना है एक्सरसाइज का। और 2 के बाद अगर आप जाते हो इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 8 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 और 8, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर प्रिपेयर कर लें आप। और एंड देन आप एक और क्वेश्चन कर सकते हो इस चैप्टर से, तो ये वाला कर लीजिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है इसका, 6 और 8 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 14 ये प्रिपेयर करना ही है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। एग्जाम्पल नंबर जो 14 है, 7.3 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पर आपको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों ही प्रिपेयर करने हैं इसमें, तीनों में सिमिलरिटीज हैं वो आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगे, पर क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7.4 ऑप्शनल है, पर इससे भी आपको दो क्वेश्चन लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, इतना प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स। तो या ये जो वीडियो था फ्रेंड्स, ये 1 to 7 था, और इसके बाद का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश किया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ये 19-20 मिनट्स का जा चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से पब्लिश कराया जाएगा। और साथ ही साथ अगर इसके एडिशनल क्वेश्चन भी चाहिए आपको, जो जो बाहर से आते हैं, जो एनसीईआरटी बुक्स के नहीं होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो भी आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे सुझाव लिखना ना भूले। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ऑलरेडी आपने कर दिया है तो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा मैं आपको, कि हमारे यहाँ पर 1 लाख सब्सक्राइबर यानी 100K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, ये आपकी वजह से ही हुआ है, आप लोग का साथ है, जो इतने सारे सब्सक्राइबर हमें मिल सके इतने कम समय में, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और बने रहिए एजुकेशन फॉर यू के साथ।